हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, एज आई प्रॉमिस कि मैं राउरकेला का हर एक प्लेस आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो गाइस, आज मैं आई हूँ नेहरू पार्क आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि अपना सिटी का जो पार्क वगैरह था अभी सब कुछ खुल चुका है। तो मैं आम बागान आई थी काम पे, एंड ये जस्ट आम बागान के पास में ही है हमारा ये जो नेहरू पार्क, एंड काफ़ी फेमस जगह है। मैं इसका जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए चलते हैं अंदर एंड दिखाती हूँ आप लोगों को नेहरू पार्क। जैसे देखिए, पार्क का एंट्री गेट कुछ इस तरह से है। चलिए चलते हैं अंदर एंड दिखाती हूँ। एक्चुअली ये पार्क में ना बहुत ही प्यारे प्यारे लोकेशन है फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग हमेशा आते थे यहाँ पे, और मैं भी एक दो बार अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक 7XT मूवी हॉल था तो वहाँ पे हम लोग देखने आए थे। तो चलिए चलते हैं अंदर और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है और करते एक्सप्लोर। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए या फिर फ़ोटोशूट करने के लिए। इवन इफ कि यहाँ पर काफ़ी सारा छोटे छोटे मूवीज़ हो गया, एल्बम के लिए शूट होता है सब कुछ। और हम लोग तो एक बार कॉलेज में जब थे तब यहाँ पर आए थे, क्योंकि हम लोगों का एक छोटा सा पिकनिक वगैरह था। तो यहाँ पे एक शॉप है, रुके मैं आप लोगों को बैक कैमरा देख लीजिए। यहाँ पे एक शॉप है, आप लोग सब कुछ खरीद के साथ खा सकते हैं यहाँ पे, जो भी बिस्किट वगैरह खाना होगा। एंड गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक पॉन्ड है, बट यहाँ पे अभी बोटिंग होता था बट अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि जस्ट पार्क अभी कुछ दिन हुआ ही खुला है। देख लीजिए, वहाँ पर बोटिंग क्लब लिखा हुआ है। एंड गाइज, वहाँ पे ये पूरा लोकेशन देख लीजिए, जस्ट एंट्री करेंगे तो ये पूरा फुल लोकेशन है। एंड गाइज, बहुत ही प्यारा लोकेशन है, मुझे तो काफ़ी पसंद है नेहरू पार्क का लोकेशन। देखिए, यहाँ पे दो रास्ते हैं, आप अगर इधर से भी जाएंगे तो पॉसिबल है जाना अंदर, एंड इधर से भी जाएंगे तो है। और ये जो गाइज है 7XT वाला, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, अभी बंद है शायद, खुला नहीं है। तो चलिए चलते हैं अंदर, चले इस तरफ से जाते हैं, यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है। चलिए आगे आगे ब्लॉग में बने रहिए, मैं सब कुछ दिखाती हूँ आप लोगों को धीरे धीरे। देखने के लिए बहुत सारे जगह है, एंड कपल्स लोग भी बैठे हैं। एंड गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, फैमिली लोग भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। एंड ये जो लोकेशन है ना, रुके और आगे चल कर और दिखाती हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह भी हो रहा है, रुके जूम करके दिखा रहे हैं आपको। एंड गाइस, ये जो लोकेशन देख रहे हो, अभी यहाँ पर पत्ता वत्ता वगैरह नहीं है, नहीं तो और भी प्यारा दिखता है। और चलिए चलते हैं आगे, देखिए वॉक करने के लिए बनाया गया है और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। चलिए चलते उधर आगे, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे है, उधर तो पता नहीं था बट यहाँ पे ऑलरेडी पत्ता वगैरह लगा हुआ है। एंड जो लोकेशन है ना, इतना प्यारा लगता है, डस्टबिन वगैरह भी है। ये देख लीजिए, बहुत सुंदर जगह है और यहाँ पर वॉक करने के लिए भी है। एंड गाइज, अगर आप पूरा उधर जाओगे तो अंदर मैं जूम करके दिखा देती हूँ, सब लोग बैठे हुए हैं अंदर। और अभी ज़्यादा कुछ लोग नहीं आए हैं, क्योंकि आज कल में ही लॉकडाउन खुला है और पार्क खुला है। मैं कुछ लोगों को पूछी तो वो लोग बताए। गाइस, ये देख लीजिए पार्क का पूरा नज़ारा, एंड वहाँ पे पानी वगैरह भी निकलता है, बट अभी लॉकडाउन है इसलिए बहुत कुछ खुला नहीं है। चलिए चलते हैं आगे और दिखाती हूँ। वहाँ पर कुछ लोग डांस प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हैं, देख लीजिए। तो देख लीजिए, वहाँ पे जो झूला दिख रहा है ना, वहाँ पे हम लोग बचपन में बहुत झूला झूलते थे। एंड कुछ लोकेशन ऐसे ही है, पूरा राउंड, बड़ा सा राउंड है और हर तरफ ग्रीनरी है, बैठने के लिए स्पेसेस है और वॉक करने के लिए स्पेस बना हुआ है। तो गाइस, ये था हमारा नेहरू पार्क का पूरा व्यू। ठीक है, पूरा अभी घूमना धूप में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो रहा है, बहुत कुछ खुला भी नहीं है। ठीक है, जितना जो खुला था मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखा दी। कुछ लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं और साफ़ सफाई भी चल रहा है, बहुत सारा काम भी हो रहा है। एंड मैं भी ग्रीन पहनी हूँ, हर जगह ग्रीन ग्रीन है, तो पूरा फुल ऑन मैचिंग हो जा रहा है। काफ़ी सारा जगह में डांस वैंस चल रहा है। तो गाइज, ऐसा है कि आप लोग जब भी आम बागान के तरफ आएंगे, यहाँ पे थोड़ा शाम को आके घूम सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और वहाँ पे बैठने के लिए जगह भी है, पानी का फवारा वगैरह निकलता है। रात में आने से ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरा तो रात में आना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं अभी आप लोगों के साथ ये शेयर कर दे रही हूँ। और भी एक IG पार्क है और डियर पार्क है, वो सब मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रॉमिस की हूँ कि हर जगह का ब्लॉग शेयर करूँगी, तो मैं डेफिनेटली करूँगी फॉर श्योर। एंड गाइज, यहाँ पे आइए, घूमिए, फोटोज़ क्लिक कीजिए, वीडियोस बनाइए, डांस वीडियो बनाइए, आपकी मर्जी जो चाहे वो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज के ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारा नेहरू पार्क का जो वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।